हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और एक और नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो गाइस, कन्हैया तो जा चुका है स्कूल। आज उसका स्कूल खुला हुआ है, कल तो उसकी छुट्टी थी और आज जा चुका है वो भी स्कूल। और जब कन्हैया चला जाता है ना तो मज़ा नहीं आता, क्योंकि वही मस्ती करता है पूरे घर में। और हम बस नहा के रेडी हो चुके हैं, मंदिर से भी आ गए, अपना नाश्ता भी कम्प्लीट हो गया है। और जो चैनल पर नया है सब्सक्राइब जरूर कर लो, नीचे आ रहा होगा सब्सक्राइब का बटन, कैसे जाके उसको दबा दो। और साइड में आ रहा होगा बेल आइकन का भी, उसको भी ऑल पे कर दो, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए वो लोग आ चुका है। तो बस यही है। और चलो थोड़ा ऊपर चलते हैं, मम्मी शायद कुछ बनाने लग रही है, तो देखते हैं क्या बन रहा है। बताया तो था मम्मी ने, पर मैं भूल चुका हूँ, तो ऊपर ही चलते हैं। और धूप भी बहुत कैडी कैडी निकलने लगी, अब तो बहुत गर्मी आने लगी। और ये देखो मम्मी कुछ बनाने लग रही है। ये तो क्या बोलते हैं, क्या बना रही है? आलू के पापड़। ये तो आलू के पापड़ बन रहे हैं। देखो ये आलू की पिट्ठी है, और ये इन पे ऐसे बेल से करके और यहाँ पे सूखने के लिए रखे हैं। कल भी बन रहे थे वैसे, कल भी बने थे। ये देखो ये कल वाले हैं जो अभी सूखे नहीं है, आज और धूप लगेगी तभी ये सूखेंगे। और ये भी कुछ पता नहीं क्या बना रखे है, या आलू को घिस के कर रखे है कुछ पता नहीं। मम्मी जी कह रही है आलू की सांखे, पता नहीं क्या कहते हैं इनको, वो बने हुए हैं। और ये देखो बस बनने लग रहे हैं, और इनको भी आज आज और इसको भी सूखने, 2 दिन का टाइम लेते हैं सूखने में सभी। ये तो कल बने थे, तो ये तो आशा है सूख जाएंगे थोड़े बहुत, देखते हैं एक बार। अभी भी थोड़े ढीले ही हैं, तो मतलब आज भी शायद ना सूखे, टाइम लगता है इनको, सूख जाएंगे पर। और बस जब जब सूखेंगे तब खाने को भी मिलेंगे। ये आलू की पीठी है पूरी, थोड़ा सा हल्का सा तेल लगा के, ये रहा सरसों का तेल लगा के ऐसे बन जाते हैं। ये देखो, और धूप ना बहुत तेज हो रही है, धूप आंख नहीं खुलती धूप में, तो बड़ी तेज धूप हो रही है। तो गाइस, सभी पापड़ बन चुके हैं और बस मम्मी जी और सभी नीचे जा चुके हैं। मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। देखो गाइस, ये रहे, ये सब बन के रेडी हो चुके हैं, बस अभी धूप में सूखने लग रहे हैं। ये देखो, ये सब यहाँ अपने सुखा दिए, वो वहाँ पे रखे हैं। और चलो अब मम्मी हम भी नीचे ही चलते हैं। A few moments later. तो गाइज, मैं कन्हैया को भी लेके आ चुका हूँ स्कूल से, बस अबे आके इसने ड्रेस बदली अपनी। हाँ कन्हैया, आज आज स्कूल में मैम ने क्या करवाया तेरे को? आज क्या पढ़ के आया है बताएगा नहीं? और क्या ये हाथ में क्या ले रहा है तू चीज़? दिखा। और नई नई कुछ ये चीजें लाता रहता है और देता किसी को नहीं है, ये किसी को नहीं देगा ये खाने के लिए, जैसे मैं मांग रहा हूँ और भैया मांग रहे। इसका फेस्टिवल कब था मैडम का? पोस्टपोन हो गया था ना, कब है पता नहीं, मैडम ने तो कुछ बताया नहीं कि कब होएगा। कब होएगा कन्हैया वो सेलिब्रेशन, कब होएगा तुम्हारा? इसका एनुअल डे फंक्शन है। पोस्टपोन हो गया था ना वो, क्या कोई एक्सपायर हो गया था टीचर? हाँ, पता नहीं कब होएगा। मैडम ने तो मेरे को कुछ कहा नहीं कि इस दिन है, तो होने वाला है इसका। और उस दिन ये अपने स्कूल में पोयम गाएगा। इसकी लाइव परफॉर्मेंस है। कौन सा पोयम गाएगा कन्हैया? वो मैडम ने तेरे को सिखाई थी ना? प्यारा तुझे कौन सा है? तो गाइज, आपने सुनी ना, कन्हैया ने पूरी अपनी जो इसके जो उस दिन प्रोग्राम में जो ये गाएगा सभी बच्चों के साथ, इसके क्लास के सभी बच्चे उस दिन होंगे। और स्टेज पे तुम जा सकते, तुम दिखाएंगे आपको। हाँ, अगर वहाँ पे अगर हम मतलब घर वालों को तो बुलाएंगे वैसे, अगर दिखाएंगे तो मैं दिखाऊंगा आपको पूरा, अगर हम जाएंगे हम दिखाएंगे आपको पूरा। और ये भैया अपनी पढ़ाई करने लग रहा है। दे और भैया को मत दियो, ठीक है? देख दे, दे किसको देगा? ये बहुत ना किसी को नहीं देता, किसी को भी नहीं देता ये अपनी चीज, खुद ही खाने में मस्त रहता है। इसे मैं ही दुलाता हूँ इसको चीज, पर मुझे नहीं देगा कभी भी। बेटे सब मिल बांट के खाएंगे। अगर मैं इसको कुछ लालच दूंगा, जैसे फोन का दूंगा या किसी और चीज का दूंगा, तो दे देगा, वरना तो भाई फिर नहीं देगा ये कभी भी, है ना? 2000 years later. बस अब ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा शाम भी हो रही है, तो चलो ऊपर चलते हैं। दो पिचकारी लेनी है और उसमें पानी भी भरना है। अभी पिचकारी थोड़ी ना आएगी, होली पे आएगी पिचकारी, अभी पिचकारी का मौसम नहीं है। उस पे पड़े
हाँ ढूंढूंगा। तो गाइस ये अभी वो मांग रहा है पिचकारी, और वो तो होली पे आती है, वो अभी थोड़ी ना मिलेगी, पर हाँ रखी होगी तो देखता हूँ मैं इसको दे देता हूँ। तो अभी पहले ऊपर चलते हैं, चलो। तो गाइस हम आ चुके हैं छत पे, और क्या बोलते हैं मौसम भी मस्त हो रहा है अब तो, क्या बोलते हैं दिन भी थोड़ा लेट ढलने लगा। पहले तो 5:30 बजे दिन ढल जाता था, पर अब तो क्या बोलते हैं 6:30 बजे तक रहता है दिन। तो अब थोड़ा क्योंकि है ना ठंड जाने लगी, तो अब वही टाइम पे आ जाएगा दिन, थोड़ा लेट ढलना स्टार्ट हो जाएगा। और ये भी कन्हैया भी मेरे पीछे पीछे आ चुका है। हाँ कन्हैया आगे देंगे यार, तूने भी यार कन्हैया पिचकारी अभी दिलाऊंगा। और गाइज मैं देख रहा हूँ कि छत पे थोड़ा कूड़ा लग रहा है, जैसे कि मूँगफली के छिलक, और ये जो जैसे पेड़ पौधे होते हैं सूख जाते तो इनका है ना ये नीचे गिर जाते हैं सूख के पत्ते, तो देखो यहाँ पे पड़े हैं, तो इनको थोड़ा छत साफ करते हैं। ये देखो कितना ही लग रहा है मेरे को, कितना ही दिख रहा है, यहाँ पे भी है और इधर भी है, तो देखो कितना लग रहा है, तो इनको साफ करते हैं। बस मैं लाता हूँ नीचे से झाड़ू वाड़ू साफ करने का सामान, और फिर आपको दिखाता हूँ। तो गाइज एक बार आप छत पहले देख लो कैसी है साफ होने से पहले, और फिर देखना कि कैसे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसी हो गई, मैंने कैसे कितनी साफ करी है। देखो पीछे पीछे बिल्कुल मतलब वहाँ सूख के गिर रखे हैं पत्ते, तो उन्हें पूरा निकालना पड़ेगा वहाँ से, और इधर भी देखो यहाँ भी, तो यही है बस। चलो सब छत साफ करते हैं, बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है अब तो, और फिर देखना एक बार आप, मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कितना कूड़ा निकलता है। ये देखो, तो चलो सिनेमैटिक आप देखना, सिनेमैटिक में देखना आप शॉर्ट, बीच बीच में आपको मैं बताते भी रहूँगा। तो गाइज मैं लेके आ चुका अपना झाड़ू, और ये जिससे कूड़ा उठाते हैं, और कन्हैया भी अपना लेके आ चुका है, ये रहा कन्हैया। पर मैं ये तो क्या है, मैं सारा सही करूँगा और ये पीछे से बिगाड़ता रहेगा, और ये तो बस ऐसी है मज़े मज़े में, ये तो मेरे साथ करने आया है ना कन्हैया, ये तो ऐसे बस करने आए, देखो हाथ में लेके खड़ा है। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, वो पहले थोड़ा ही कुर्सियों को सही कर देता हूँ, थोड़ी यहाँ पे लगाता हूँ, इसके बाद। तो गाइज ये कन्हैया तो जा चुका है, पाजी आ चुके हैं ना, तो स्कूटी आते ही पाजी बजाते हैं हॉर्न, और वो सुनते भाग गया वो तो। तो गाइज ये देखो मैंने वहाँ से पीछे तो बिल्कुल साफ कर दिया है, पीछे का तो यहाँ तक का तो मैंने पूरा साफ कर दिया है, और ये यहाँ तक का भी इतना निकला है, अभी ये थोड़ा और रह रहा है यहाँ का पोर्शन, और थोड़ा उधर का, तो बस देखो एक बार। तो गाइस कन्हैया भी आ चुका है, चीज दिखा क्या लाया कन्हैया, इधर आके दिखाते थे एक बार क्या लाया आज। चोकोस, दूध में डाल के पियो इसको। नहीं, चोकोस लाया गाइस आज, दूध में डाल के खाते हैं इसको। नहीं, दूध में डाल के खाइयो मजा आएगा। नहीं, चॉकलेट चॉकलेट बन जाएगा दूध। नहीं, है ना। नहीं, इस सब चीज को मना ही करते रहता है, नहीं नहीं नहीं। तो गाइस मैंने पूरी झाड़ू लगा दी है, पूरी छत साफ कर दिया, और देखो इतना कूड़ा निकला है, आपको दिख नहीं रहा था, ये सब गमलों के पीछे छुपा हुआ था, और ये सब मैंने ढूंढ ढूंढ के इनको निकाल के, और ये इतना सारा निकल चुका है। अब इसको मैं डाल दूंगा उठा के उस पन्नी में, क्योंकि हमारा जो छत का जितना भी कूड़ा रहता है इस पन्नी में जाता है सब, तो बस इस पन्नी में डाल देंगे अब। और ये कन्हैया और दिलकुश यहाँ बैठे हैं, दोनों के दोनों हंस रहे हैं। तो गाइज मैंने पूरी छत साफ कर दिया है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार पहले कैसी थी, और अब देखना एक बार कैसी हो गई है, बहुत टाइम लगा पर हो गई है। ये देखो पूरा ढूंढ ढूंढ के मैंने पीछों से बिल्कुल निकाला है कूड़ा, और उनको साफ़ करा है, इतनी साफ हो गई कि आप इस पे छत पे अपनी शक्ल देख सकते हैं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का ठार। मजाक कर रहा हूँ गाइस, वो तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, कोई नहीं, पर टाइम लगा है, हो गई है साफ, और अब साफ भी हो गई है छत, अच्छा लग रहा है, दोनों यहाँ खेलने लग रहे हैं, और शाम का भी टाइम हो गया, अंधेरा भी स्टार्ट हो गया, अब मच्छर भी आने लगे, अब तो सर के ऊपर मच्छर घूमने लगे, तो अब नीचे चलते हैं बस। देखो दोनों खेलने लग रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अच्छी हो गई। चल ठीक है कन्हैया, चल कन्हैया नीचे नीचे। अब बहुत बहुत हमने सफाई कर दी ना ऊपर की। हाँ। चलो
अब बाकी जब जब गंदी होगी अब बाकी तब करेंगे है ना। अभी चल चल जल्दी जल्दी चल, धीरे क्यों चल रहे हैं, चल यार। ये कन्हैया तो बिल्कुल धीरे धीरे चलता रहता है, मुझे भी धीरे धीरे चलना पड़ रहा है इसी वजह से। देखो कहां से कूदा है, फुल ये पूरा वो हो चुका है बदमाशी वाला। क्या लाई है? ओ भाई साहब कौन सा? ये वाला। ओ मैं ये भी लाया है। ओए मैगी। मैगी भी लाया है। मैगी खाएगा। तो गाइज अपना खाना पीना भी कंप्लीट हो चुका है और बस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आज का व्लॉग कैसा लगा एक बार? और आज मैंने आपको दिखाया हमारे घर पे बने होममेड पापड़ आलू के, और बस थोड़ी छत पे सफाई करनी थी वो थोड़ी रह गई थी और गंदी भी होती है, अब साफ हो गई है। और बस आज के व्लॉग में इतना ही था, जल्दी मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। कैसा लगा है व्लॉग तो लाइक कर देना, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर दो, नीचे आ रोगे एक सब्सक्राइब का बटन उसको दबा दो, बेल आइकन को भी ऑल पे कर दो जिससे कि आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए कि हाँ भाई व्लॉग आ चुका है, तो ये काम जरूर कर देना। और बस आज के व्लॉग में इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय गाइज़।